मुझे नींद आ रही है आई एम फीलिंग स्लीपी मुझे नींद आ रही है के लिए आप बोल सकते हैं आई एम फीलिंग स्लीपी और अगर आपने टेंसेज की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देखिए ताकि ये सेंटेंसेज बनाने में आपकी हेल्प हो और आप अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर पाए सो नेक्स्ट सेंटेंस इज डोंट एम्बेरस मी इसका मतलब होता है मुझे एम्बेस मत करो डोंट एम्बेरस मी डोंट मेक एक्सक्यूजेज डोंट मेक एक्सक्यूजेज इसका मतलब है बहाने मत बनाओ बहाने मत बनाओ के लिए आप इसका, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं डोंट मेक एक्सक्यूजेज बात को ज्यादा मत बढ़ाओ डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर ज्यादा भाव मत खाओ डोंट एक्ट सो प्राइजी डोंट एक्ट सो प्राइजी तो प्राइजी इज बेसिकली यूज फॉर भाव खाना तो आपको जब भी बोलना हो कि भाव मत खाइए इससे आप डिफरेंट सेंटेंसेज बना के ट्राई कीजिए एंड उन्हें कमेंट बॉक्स में पेस्ट कीजिए वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं है इट्स नो यूज ऑफ गोइंग देर इट्स नो यूज ऑफ गोइंग देर हमारे साथ आओ कम विद अस हमारे साथ आओ कम विद अस इधर आओ कम हेयर उधर जाओ गो देयर तो ये कुछ शॉर्ट सेंटेंसेस है जो आप बेसिकली यूज कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में तुमने क्या कहा वॉट डिड यू से वॉट डिड यू से डिट के साथ वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है मुझे नहाने दो लेट मी टेक अ शार इसके लिए तुम जिम्मेदार हो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इसके लिए तुम जिम्मेदार हो का आप बोल सकते हैं यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट या फिर इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं तो आप बोल सकते हैं आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट राइट अगर कोई आता है हमारे घर आना हम उसे बोलते हैं कि अपना ही समझिए तो इस तरीके से बोल सकते हैं आप इट्स ऑल योर्स इसे अपना ही समझो इट्स ऑल योर्स तुम इससे बच नहीं सकते यू कैंट स्केप फ्रॉम दिस तुम इससे बच नहीं सकते के लिए बोल सकते हैं आप यू कांट एस्केप फ्रॉम दिस नल बंद कर दो पानी बह रहा है टर्न द टैप ऑफ द वॉटर इज रनिंग ओवर द वॉटर इज रनिंग ओवर मैं परेशानी में हूँ आई एम इन ट्रबल मैं परेशानी में हूँ आई एम इन ट्रबल डोंट लेट हर गो इसका मतलब है उसे जाने मत दो डोंट लेट हर गो उसे जाने मत दो इसे दिल पर मत लीजिए ये भी एक कॉमन सेंटेंस है जो हम यूजुअली यूज करते हैं तो इसके लिए आप बोल सकते हैं डोंट टेक इट टू हार्ड डोंट टेक इट टू हार्ड ये बहुत महंगा है इट्स अ लिटिल एक्सपेंसिव या फिर हम अगर एडवांस लैंग्वेज में बात करें तो इट कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं या मेरी गलती नहीं है इट्स नॉट माई फॉल्ट इट्स नॉट माई फॉल्ट गलती के लिए हम फॉल्ट वर्ड का यूज़ करते हैं आज हम कुछ नया सीखते हैं लेट्स लर्न समथिंग न्यू लेट्स लर्न समथिंग न्यू यहाँ कचरा मत फेंको डोंट लिटर हेयर डोंट लिटर हेयर क्या ये अच्छा है इज इट गुड तैयार हो जाओ गेट रेडी मुझसे इस तरीके से बात मत करो डोंट टॉक टू मी लाइक दिस डोंट टॉक टू मी लाइक दिस यह तुम्हारे लिए अच्छा होगा इट विल बी बेटर फॉर यू इट विल बी बेटर फॉर यू मेरे दिमाग से निकल गया सॉरी मेरे दिमाग से निकल गया था कोई पर्टिकुलर मीटिंग में जाना हो और हमें वो ध्यान नहीं रहता तो वहां पे बोल सकते हैं सॉरी इट स्लिप्ड माई माइंड सॉरी इट्स स्लिप्ड माई माइंड हमारी तू तू मैं मैं हो गई वी एक्सचेंज हॉट वर्ड्स वी एक्सचेंज हॉट वर्ड्स या तो उससे बात नहीं करती डोंट यू टॉक टू हिम डोंट यू टॉक टू हिम ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है या फिर ये सब तुम्हारा किया धरा है इसके लिए आप बोल सकते हैं इट्स ऑल योर डूइंग इट्स ऑल योर डूइंग तुम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो तुम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो इसके लिए आप बोल सकते हैं हाउ कैन यू बी सो सेल्फिश हाउ कैन यू बी सो सेल्फिश या फिर मीन का भी हम यूज कर सकते हैं वह डरा हुआ है ही इज फ्राइटेंड ही इज फ्राइटेंड और ही इज स्केयर्ड संपर्क में रहना जब दो लोग मिलते हैं एंड लास्ट में बाय बोलते हैं तो बोलते हैं कि आप संपर्क में रहना या मुझे कॉल जरूर करना तो यू कैन से कीप इन टच कीप इन टच ध्यान रहे कीप इन माइंड कीप इन माइंड उसे जाने दो लेट हिम गो लेट हिम गो मैं समझ सकती हूँ आई कैन अंडरस्टैंड आई कैन अंडरस्टैंड अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो डोंट स्पॉइल योर लाइफ डोंट स्पॉइल योर लाइफ मुझे देखने दो लेट मी सी मुझे देखने दो इसके लिए आप बोल सकते हैं लेट मी सी मूर्खता वाली बात मत करो डोंट बी सिली मूर्खता वाली बात मत करो के लिए आप बोल सकते हैं डोंट बी सिली वह बहुत दयालु है he is very kind और she is very kind. इसका कोई मतलब नहीं है लेट हो चुका है इट्स टू लेट इट्स टू लेट तुम गलत हो यू आर रॉन्ग यू आर रॉन्ग उसने जो किया सही किया इज करेक्ट और मुद्दे right. मुद्दे पे 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 आओ। आओ। मुझ पे एक एहसान करना जब हम बोलते हैं कैन यू प्लीज हेल्प मी मेरी हेल्प करेंगे तो आजकल कर ये बोला जाता है डू मी फेवर कैन यू प्लीज डू मी फेवर तो इस तरीके से हम फेवर वर्ड का यूज करते हैं तुम्हारा कोई हक नहीं है मुझे ऑर्डर देने का यू हैव नो राइट टू ऑर्डर मी तो ऑर्डर देने के लिए हम बोलते हैं यू हैव नो राइट टू ऑर्डर मी क्या फर्क पड़ता है हाउ डज इट मैटर हाउ डज इट मैटर ये मुझे मुश्किल लग रहा है आई फाइंड इट डिफिकल्ट आई फाइंड इट डिफिकल्ट वो बहुत ईमानदार है ही इज ऑनेस्ट वह ईमानदार है ही इज ऑनेस्ट और शी इज ऑनेस्ट क्या ये तुम्हारा है इज इट योर इज इट योर्स आई यू मैड क्या तुम पागल हो इसके लिए हम बोलते हैं आई यू मैड ये साफ है इट्स क्लीन अपने आप पे कंट्रोल रखने के लिए हम बोलते हैं कंट्रोल योर सेल्फ कंट्रोल योर सेल्फ मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है आई हैव नो अदर चॉइस आई हैव नो अदर चॉइस क्या तुम हो आई यू देर क्या तुम वहां हो आई यू देर मुझे तुमसे नफरत है आई हेट यू आई हेट यू आई लव यू का ऑपोजिट इज आई हेट अब क्या ना वॉट और अगला क्या इसके लिए हम बोल सकते हैं वॉट नेक्स्ट वॉट नेक्स्ट अगला क्या क्या देखो वॉट टू सी मैं रेडी नहीं हूँ आई एम नॉट रेडी क्या तुम जा रहे हो आई यू गोइंग या फिर आई यू लीविंग मैं नहीं जा रहा आई एम नॉट लीविंग आई एम नॉट लीविंग मैं स्कूल जाता हूँ आई गो टू स्कूल अब यहाँ पे अगर हर दिन ऐड हो जाता मैं हर दिन स्कूल जाता हूँ या मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ आई गो टू स्कूल एवरी डे मैं हर दिन ऑफिस जाता हूँ आई गो टू ऑफिस एवरी डे अपना फ़ोन चार्ज कर लो चार्ज योर मोबाइल चार्ज योर मोबाइल खाना सर्व कीजिए सर्व द फूड सर्व द फूड मैं हिल नहीं पा रहा मैं हिल नहीं सकता आई कांट मूव मेरे पास इतना काम है कि मैं हिल ही नहीं सकता आई एम स्वॉम्ड विद वर्क सो आई कांट जस्ट मूव फ्रॉम योर मैं सो नहीं सकता आई कॉन्ट स्लीप बिकॉज आई हैव टू गिव अ प्रेजेंटेशन टूम तो आप इस तरीके से आगे ऐड कर सकते हैं आई कैन स्लीप आई कॉन्ट ईट बिकॉज आई डोंट हैव टाइम दीज डेज बिकॉज ऑफ विद वर्क का मतलब होता है फ्लडेड विद वर्क बहुत सारा काम होना मुझे अकेला छोड़ दो लीव मी अलोन लीव मी अलोन नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा आई विल नॉट नो आई विल नॉट राइट मैं पार्टिसिपेट करूंगा या मैं भाग लूंगा आई विल पार्टिसिपेट आई विल पार्टिसिपेट इन डिबेट कॉम्पिटिशन और I will participate in all the activities. और इस तरीके से आप आगे कर कर सकते हैं and practice कर सकते हैं हैं। उन्हें अंदर लाओ ब्रिंग हिम इन और उन्हें अंदर लाओ मुझे वो किताब पढ़ने में दो दिन लगे इट टुक मी टू डेज टू रीड दैट बुक इट टुक मी टू डेज टू रीड दैट बुक क्या करें? वॉट टू डू क्या करें वॉट टू डू कोई नहीं आया नो बडी केम कोई नहीं आया नो बडी केम टू पार्टी की पार्टी में कोई नहीं आया और नो बडी केम टू दी मीटिंग मीटिंग में कोई नहीं आया इस तरीके से आप टू दी के बाद ऐड कर सकते हैं जब हमें बोलना हो लाइट चली गई है देर इज अ पावर कट और द लाइट वेंट ऑफ देर इज नो पावर सप्लाई मीटिंग्स में ऐसा यूजुअली देखा जाता है जब ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम चल रहा था और पावर का कनेक्शन का इशू होता था तो वी यूज टू से इज़ नो पावर कट देर इज नो पावर सप्लाई इस तरीके से मुझे इसमें मत घसीटो डोंट ड्रैग मी इंटू दिस डोंट ड्रैग मी इंटू दिस मेरी बात सुनो लिसन टू मी लिसन टू मी बिल्कुल भी नहीं नॉट एट ऑल नॉट एट ऑल मैं बस आ रहा हूँ आई एम जस्ट कमिंग आई एम जस्ट कमिंग इन टू मिनट्स और आई एम रीचिंग देयर इन टू मिनट्स कि मैं वहाँ पे पहुँच रहा हूँ दो मिनट में आई एम रीचिंग देयर इन टू मिनट्स और कुछ नहीं नथिंग एल्स नथिंग एल्स तुमने बहुत अच्छा किया यू डिड वेरी वेल जब हमें बच्चों को अप्रिशिएट करना हो या किसी को अप्रिशिएट करना हो किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए सो वी कैन से यू डिड वेरी वेल और यू डिड ट्रिमेंडर्स यू वर फैबुलस इस तरीके से वहाँ जाओ और खड़े हो जाओ गो एंड स्टैंड देयर गो एंड स्टैंड देअर और कुछ एनी थिंग एल्स एनी थिंग एल्स जब हम कहीं खाने के लिए जाते हैं किसी रेस्टोरेंट और कैफ़े में तो हम वहाँ पे सुनते हैं ये फ्रीक्वेंटली कि वो बोलते हैं कि आप और कुछ लेना चाहेंगे वुड यू लाइक टू ऑर्डर एनी एल्स एनी थिंग एल्स राइट पैनिक मत करो डोंट पैनिक डोंट पैनिक उसे वहाँ रख दो कीप इट देयर कीप इट अर से यहां ले आओ ब्रिंग इट हेयर ब्रिंग इट हेयर वहीं रुको स्टॉप देअर वहीं रुको स्टॉप देअर हर तरह से बाय ऑल मींस बाय ऑल मींस जैसा आपको पसंद है एज यू लाइक वी विल डेकोरेट द प्लेस एज यू लाइक एज पर योर चॉइस हम प्लेस को ऐसे डेकोरेट करेंगे जैसा आपको पसंद है आप अपने तरीके से इन्हें मॉडिफाई करके ट्रांसलेट कीजिए एंड प्रैक्टिस कीजिए छोड़ो उसे लेट इट बी लेट इट बी और लेट हिम बी लेट हर बी इस तरीके से आप बोल सकते हैं छोड़ो उसे ऐसा नहीं है इट्स नॉट लाइक दैट इट्स नॉट लाइक दैट मुझे ऐसा लगता है आई बिलीव दैट या मुझे पर्सनली ऐसा लगता है आई पर्सनली बिलीव दैट मेरी राय से इन माई ओपिनियन इन माई ओपिनियन जहाँ तक मुझे लगता है एज़ फार एज़ आई कैन सी यू और एज़ फार एज़ आई एम कंसर्नड एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न इन दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं और आगे सेंटेंस बोल सकते हैं नाटक मत करो डोंट प्रिटेंड डोंट प्रिटेंड मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इन माय एक्सपीरियंस इन माय एक्सपीरियंस आई हैव सीन पीपल लर्न इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली इन ओनली ट्वेंटी वन डेज तो मेरे एक्सपीरियंस से जो डेडिकेटेड है जो कंसिस्टेंट है वो लोग जल्दी इंग्लिश सीख लेते हैं मैंने ये ऑब्जर्व किया है आई हैव ऑब्जर्व दैट आई हैव ऑब्जर्व दैट तुम तमाशा क्यों कर रहे हो वाई आर यू मेकिंग अ सीन है और वाई आर यू मेकिंग अ सीन और वाई आर यू क्रिएटिंग अ सीन है या फिर तमाशा मत करो डोंट क्रिएट अ सीन है डोंट मेक अ सीन है इस तरीके से आप डिफरेंट सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो अगर आपको पसंद आई है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए लाइक कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा आई होप आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं अगर नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना सो दैट आपको वीडियो के अपडेट्स मिलते रहे थैंक यू सो मच मिलते हैं अगली वीडियो में टिल देन बाय टेक केयर